हमारे बीच हैं आज सोहेब उर्फ सोराब, हिमाचल प्रदेश के विनू मंकट ट्रॉफी के प्लेयर, अंडर 19 प्लेयर, कोच विहार भी खेले हैं इस साल, अंडर 19 के सभी फॉर्मेट्स में खेले हैं। कैसा रहा सर ये सीज़न आपके लिए? सीज़न तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ गलतियां थी जो हम वहाँ से सीख के आए हैं, उस पर अब जल्दी से जल्दी काम करेंगे। जो जो गलतियां थी, छोटी छोटी गलतियां थी, ऐसी नहीं थी कि बहुत बड़ी गलतियां थी जिस पर हम काम नहीं कर सकते। अब आगे हम इस साल उस पर काम करेंगे और आने वाले साल में हम उस पर वही चीज़ बहुत अच्छी करेंगे जो हमसे वहाँ पर गलतियाँ हुई। प्रैक्टिस कर ही रहे थे लगातार और कोशिश कर रहे थे प्रैक्टिस के अंदर कि हम लोग अपना बेस्ट करें, वो सब चीज़ें सीख के जाएं, और वो सब चीज़ें सीख के गए। और जब आप उस टूर्नामेंट में खेले, इन टूर्नामेंटों में खेलने के बाद आपने महसूस किया कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, और जब आपने महसूस किया कि हमने इस चीज़ों पे तैयारी नहीं की थी, तो अभी तो मेरा ये मानना है कि अब आप इन तैयारियों को करके जाओगे, अगला टूर्नामेंट खेलोगे तो उसमें भी कुछ कमियां रह जाएंगी। यही जीवन का एक सार है कि हम लोग जो है रोज़ निरंतर कुछ सीखते रहते हैं और फिर भी आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो कुल मिला के आपका सीज़न अच्छा रहा। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि अभी जो बच्चे अंडर 19 की तैयारी कर रहे हैं और वो भी 19 में सिलेक्ट होंगे, तो आप उनका मार्गदर्शन करो कि ऐसा क्या क्या चीज़ आपने महसूस करी कि मेरे को इस चीज़ पे काम करना था। तो एज एक लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो भी इस चीज़ की तैयारी करके जाएं, उनको बाद में ये एहसास ना हो कि मेरे से ये चीज़ की मैं तैयारी और कर लेता तो मैं आज ज़्यादा बेस्ट कर पाता। जैसे अभी आपने महसूस किया कि मैंने सारी तैयारी करके आया था फिर भी इन इन चीज़ों में कमी रह गई, तो वो प्लेयर जो अभी बाहर हैं जो इस साल 19 खेलेंगे, जो न्यू कमर्स होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो, किन किन चीज़ों पे और अच्छे से काम करना चाहिए? मैं सर वही बताना चाहूँगा कि पहले तो माउंट स्पॉन्ट जितनी कर सको फिटनेस पे ध्यान दो, जितनी भी सिंगल विकेट ड्रिल अपनी उतनी इस तरह से पका लो कि तुम आँख बंद करके भी उसी चीज़ पे बॉल कर सको या वही चीज़ बॉल कर सको बार बार। लेकिन एक एरिया पे जब तक कोई बॉलर नहीं है, चाहे मीडियम पेसर हो या स्पिनर हो, जब तक एक एरिया पे हिट करके बॉल नहीं करेगा जब तक वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर बैट्समैन होते हैं लूज बॉल, जैसी लूज बॉल मिलती है उसको अप्लाई कर लेते हैं कि रन बनाने में। ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हारी लूज बॉल को भी छोड़ देंगे, तुम ओवर में एक बॉल लूज बॉल डालोगे उस पर या चौका या बाउंड्री कुछ भी निकाल लेंगे। तुम्हारी मेन तो फिटनेस है सर, जितनी आप फिट रहोगे माइंड सेट रहेगा आपका। माइंड वीक होने का कारण ये रहता है कि हम सही से फिटनेस नहीं करते, टाइम पे उठते नहीं हैं, टाइम से खाना नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। डाइट आपने कहा, डाइट में मैं भी समझाता रहा हूँ और लगभग सभी कोच कहते भी होंगे, ऐसी क्या बात कह दी जाए जो बच्चों को ये समझ में आ जाए कि ये बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड ये सॉस ये सब चीज़ें उन्हें नहीं खानी चाहिए, और ऐसा क्या तरीका आए कि उनको एक बार में ये बात समझ में आ जाए कि हमें नहीं खाना तो नहीं खाना? या वो तो उन सर स्टूडेंट के ऊपर ही है, जितनी जब तुम खेलना चाहते हो किसी चीज़ को इतना टाइम दे रहे हो तो तुमको डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइट तुम फॉलो करो जो कोचेस बोल रहे हैं। फिर तुम कोचिंग लेने आते क्यों जब तुमने कोच की बात सुननी नहीं है? इससे अच्छा तो फिर तुम अपने घर पे प्रैक्टिस करो जैसा कर सकते हो। मैंने माना आप डाइट के लिए कह रहे हैं, मैंने माना कि आप फिटनेस के लिए कह रहे हैं, और फील्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है? फील्डिंग तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि कोई भी एक खिलाड़ी मैच खेलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैच में उसकी बैटिंग आए। और चलो मैं मानता हूँ कि एक ओपनर है, हर मैच में उसकी बैटिंग आनी तय है, लेकिन ये तो तय नहीं कि हर मैच में चलेगा रन करे। एक बॉलर है, ये उसका भी हर मैच में ओवर मिल रहे हैं लेकिन ये तय नहीं है कि विकेट मिले, और इन दोनों में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी फील्डिंग में तो परफॉर्मेंस हर हालत में होनी चाहिए। दो बैट्समैन ऐसे आ गए कि वो आपको विकेट ही नहीं दे रहे हैं, है ना, वो डिफेंस कर रहे हैं, वो रनों के लिए जा ही नहीं रहे, और आपके वो जो हैं 10 ओवर उसी में खप गए, एक तरह से यूज़ हो गए, है ना, और आपने अच्छा डाला, आपने 10 ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए या 10 ओवर में 10 ही रन दिए लेकिन विकेट नहीं मिले, है ना,
लेकिन फील्डिंग में तो आप बेस्ट कर सकते हैं। तो फील्डिंग जो बैट्समैन की बैटिंग आए या ना आए, बैट्समैन के रन बने या ना बने, उसे भी फील्डिंग करनी है। बॉलर की बॉलिंग आए या ना आए, विकेट मिले या ना मिले, उन्हें भी फील्डिंग करनी है। तो मेरा ये मानना है कि फील्डिंग पे भी बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। आपने कैसा इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये भी ऐसा, थोड़ा सा मैं भी फील्डिंग में वीक था, तो उन्होंने कोचिस ने जो बताया कि तुम हर रोज फिर जब भी सेशन के बाद 20 या 30 मिनट अपनी फील्डिंग को दो, क्योंकि सर हमारे ऐसे सामने से होता है कि टीम प्रेशर बना रही है, हमारे यहाँ से डॉट बॉल सिंगल चले जाए तो ऐसे टीम पीछे सी हो जाती है कि एक फील्डर को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तुम्हें ये जो आपने बात कही ना कि एक फील्डर को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग भी शुरू में ऐसा ही सोचते थे कि यार एक, चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा है ये कम फील्डिंग करता है, इसको छुपा देते हैं। लेकिन दूसरी टीम के बैट्समैनों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, या बॉल को कैसे पता चल जाता है, बॉल भी बार बार उसी के पास जाएगी और बैट्समैन शॉट खेलेगा वहाँ पे, लेकिन जाएगी उसी कमज़ोर फील्डर के पास, बॉल भी बहुत जल्दी उस फील्डर को पहचान लेती है कि हाँ भाई मुझे को इसके पास जाना है, ये नहीं पकड़ेगा मेरे को। तो फील्डिंग हो गई, डाइट हो गई, फिटनेस हो गई, और इसके अलावा लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हो तो उस कोच को तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा कि यार वो हमें इतना, हम उसको टाइम दे रहे तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कुछ गलत सोचेगा। यार एक गुरु कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, शब्द गलत हो सकते हैं, जैसे कई कोचेस होते हैं, जैसे आप भी हो, जैसे थोड़ा गुस्से में बोल देते हो, लेकिन शब्द गलत होते हैं, लेकिन कोच की भावना गलत नहीं होती है कभी। बहुत बेहतरीन बात कही, शब्द गलत हैं, भावना गलत नहीं है। और पर्सनली मेरा अपना मानना है, जैसे मैं भी कोच हूँ, तो मेरा ये मानना है कि किसी उस मेरे को उस बच्चे पे कभी भी गुस्सा नहीं आता जिससे मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे सिर्फ उसी बच्चे पे गुस्सा आता है जिससे मुझे उम्मीद है। जिस बच्चे से उम्मीद है और वो बच्चा ख़राब करता है तो गुस्सा आता है। अब मेरा ग्राउंडमैन है, उसको अगर मैं बैटिंग में भेज दूँ और वो जीरो पे आउट हो जाए तो मुझे उससे उस पर कोई गुस्सा नहीं आएगा, है ना। एक न्यू कॉमर्स है, उससे मुझे उस पर कोई उम्मीद नहीं है, वो जो है नो बॉल डाल दे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आजकल जो मैं ये नो बॉल से बात याद आई, आजकल स्पिनर्स भी नो बॉल डाल रहे हैं। हाँ जी, हो जाता है कई बार तेज डालने के चक्कर में, जैसे स्पिनर होता है जैसे थोड़े रन पड़ने लग जाते तो रन फास्ट हो जाता है, जो कि उसका होता नहीं है। कई बार जब तेज डालने की कोशिश करता है तो स्टेप भी बढ़ जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक स्पिनर के कितने स्टेप बढ़ जाते होंगे, कितना उसका वो हो जाता होगा। कपिल देव एक फास्ट बॉलर था, एक स्पिनर जरा सी फास्ट डालने के चक्कर में नो बॉल कर देता है, जबकि कपिल देव तो पूरी ज़िंदगी फास्ट बॉलिंग करी, वो तो फास्ट बॉल ही डालने के चक्कर में, लेकिन उन्होंने अपने 20-21 साल के कैरियर में कोई नो बॉल नहीं डाली। रिचर्ड हेडली ने कभी नो बॉल नहीं डाली, इयान बोथम ने कभी नो बॉल नहीं डाली, इमरान खान ने अपनी पूरी लाइफ में कोई नो बॉल नहीं डाली। तो क्या मतलब ये जो एक बहाना है कि फास्ट डालने के चक्कर में नो बॉल डालना उचित मानते हैं एक स्पिनर का? सर बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं उस पर, जरूरी नहीं है कि फास्ट डाल रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में भी कई बार नो बॉल डल जाते हैं। एक्स्ट्रा करने के चक्कर लेकिन हम उसे ना कंट्रोल कर सकते हैं। जब कंटिन्यू हम सिंगल विकेट करते हैं तो कंटिन्यू उस पर करें कि जब हम सिंगल विकेट कर रहे हैं तो तेज भी उसी साइड से डालें कि जिस रन अप से उसी से आम तेज होना चाहिए कि यानी कि स्टेप नहीं होना चाहिए तेज। हाँ, अभी आप आए ना, आम का रोटेशन ही तो तेज करोगे, स्टेप का जो होना। और जब आपको पता है, आप पहले से रणनीति बना के जाते होगे ना कि पिछली गेंद पर चौका लग गया, पिछली बॉल पे चौका लग गया, अगली गेंद पे मुझे फास्ट डालनी है, तो आप तो जब बॉल रनअप पे खड़े हो अपने, उस टाइम सोच रहे हो, रणनीति बना रहे हो कि अगली गेंद मुझे फास्ट रन मारनी है, तो उस टाइम ये दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरी अक्सर गेंद फास्ट बॉल पे नो बॉल हो जाती है जब मैं फास्ट रन फेंकने जाता हूँ। तो उस टाइम ये ख्याल आ जाना चाहिए कि हाँ, तो अब मेरे पे एक गलती ये भी हो सकती है कि नो बॉल हो जाए, तो इसलिए मैं पहले ही आधा कदम पीछे से चलूँ। ये भी हो सकता है, बट वो चीज़ तभी होगी कि जैसे हमें जब हमें कुछ चीज़ पता लगती है कि नो बॉल डाल ले, तो फिर हम उसे जब सिंगल विकेट करते हैं तो हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी को बैठा के अपने पास बोलते हैं कि देखियो भाई, जब मैं बॉल डालूंगा तो नो ना हो, कितनी नो बॉल डाल रहा हूँ, फिर हम उस चीज़ को एक चीज़ से ठीक कर सकते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सिंगल विकेट पर करेंगे और ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तो मैच में नहीं होगी नो बॉल। हाँ, तो मैं मानता हूँ और आप भी शायद मेरे से सहमत हो कि एक स्पिनर से उम्मीद नहीं करता कि वो नो बॉल डाले। जी अच्छा जी, और इसके अलावा कुछ बच्चों को बस वो यही है, डिसिप्लिन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वही है, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी यार तुम्हें, जब तुम अपना टाइम इतना टाइम दे रहे हो, घर से आ रहे हो, किसी कोच को दे रहे हो, तो फिर तुम्हें लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। मैं महसूस कर रहा हूँ आजकल के बच्चों को, जैसे शाम को 4 बजे की प्रैक्टिस का टाइम दिया जाता है,
तो कोई 4:03 पे आएगा, कोई 4:05 पे आएगा, कोई 4:10 पे आएगा, कोई 4:30 आएगा, आते ही बता देगा जी ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था। लाखों कारण हो सकते हैं लेट होने के, लेकिन टाइम पे आने का एक ही कारण है जी, मेयर को टाइम पे जाना है, इतना ही काफ़ी है। तो फिर ये आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि टाइम से अनडिसिप्लिन जो है ना, बड़े छोटे की शर्म, बड़ों के सामने। हमारे टाइम में तो जहाँ हमारे गुरुजी की चेयर होती थी, हम उससे 100 मीटर दूर रहने की कोशिश करते थे, हम अपने गुरुजी के कभी साथ नहीं बैठे। जहाँ हमारे गुरु की चप्पल उतरती थी, वहाँ हम खड़े नहीं हुआ करते थे, अगर सर की चप्पल यहाँ, इसका मतलब सर कमरे में होंगे, है ना। आजकल जो है गुरु और शिष्य में जो मजाक, हंसी मजाक चल रहे हैं, ये कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर वही है, ज़्यादा आप गुरु टीचर से ज़्यादा फ्रेंडली होना ठीक है, लेकिन ग्राउंड में हो फैमिली। जैसे कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ बैठो तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इग्नोर करो कि हमें सीनियर के साथ बैठ सकते हो, लेकिन गुरु जी के साथ ऐसे नहीं है कि पैर छुओ, ये जो नमस्कार किया कुछ भी किया, फिर उसके बाद अपना साइड हो जाओ। जब तुम गुरु जी का अपना टाइम ज़्यादा दोगे तो एक फ्रेंडली सा माहौल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारे घर का ही है। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो गुरु की, उसको गुरु की जगह रहने दो, फ्रेंड तो बहुत सारे बन जाते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि गुरु गुरु है, गुरु दोस्त नहीं हो सकता। एक दोस्ती एक मतलब सिखाते टाइम सिखाना एक अलग बात है, और व्यवहार दोस्त जैसा रखना एक अलग बात है, एक दोस्त बना लेना अलग बात है ना। तो थोड़ी एक गुरु और शिष्य में जो अंतर है, उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए वो अंतर रखना चाहिए। और कुछ इन नए भविष्य बच्चों का, आपका कोई आगे का जो भविष्य है उसके बारे में बताएंगे, आगे की क्या तैयारी चल रही है? वही मैं अपने सीनियरों से बात वैसे करता रहता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव तो जो आने वाले वर्ल्ड कप है सीनियर का, उसकी तैयारी करनी है। 2023 में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, या होना ना होना तो उसके लिए, लेकिन हमें एक मोटिव तो रखना पड़ता है कि हम इसके लिए ट्राई करेंगे, या हमें इस इतने साल में ये चीज़ वो करनी है। उस चीज़ के लिए तो आपको रेडी होना पड़ेगा पहले से, ये नहीं कि मैंने इंडिया खेलनी है लेकिन यही नहीं पता कौन से साल में खेलनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने यार ये U19 खेलनी है तो अगले साल खेलनी है, मुझे उस चीज़ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यार तुम्हें लॉयल्टी तुम्हें दिखानी पड़ेगी यार, तुम किसी के साथ हो यार, सबसे पहले तो झूठ मत बोलो किसी से भी। झूठ बोलते हो तो यार वो तुम्हारा घाटा है, तुम झूठ बोल के ना बच सकते हो, लेकिन अपने आप को पता ही रहता है कि हाँ यार मैंने झूठ बोल दिया, तुम्हारा पूरा दिन उसी में सोचने में लग जाएगा, नहीं यार मैंने आज ये झूठ बोला है, अब मैं आगे क्या करूँगा, उसको छुपाने के लिए मैं आगे कौन सा झूठ बोलूँगा। इससे अच्छा यार तुम्हें लगता है ना मेरे से गलती हुई है, तो हाँ यार चलो गलती हुई है, सबसे होती है, उससे जल्दी सीख लो जितना सीख।